तरह से पूरा वन साइडेड मैच सदी जी। बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा जो ऑस्ट्रेलियन खेमा है पैट कमिंस, जो निर्णय लिया, जिस तरह का क्रिकेट खेला, पहले दो मैच हारने के बाद जिस तरह से वापसी की, चारों खाने चित, ये कहूंगा। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा भारतीय टीम को जो खामियां नजर आई आखिरी मैच में, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त प्रदर्शन। आप गेंदबाजी की बात करो, आप फील्डिंग की बात करो, और जिस तरह से फिनिश किया ये टूर्नामेंट, और जिस तरह से छठी बार उन्होंने विश्व कप अपने नाम किया। जी हाँ, 6 विकेट से जीतने के बाद, और जैसा पैट कमिंस ने कहा था कि हम इस पूरे स्टेडियम को शांत कर देंगे, उन्होंने तो पूरे देश को 140 करोड़ का जो जश्न का सपना था वो ही शांत कर दिया। हाँ जी, वो कर दिया। एंड आई थिंक पूरा कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज वो बेटर क्रिकेट खेले प्रोबेबली थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिया ने सबसे बेटर जैसे ग्रुप स्टेज खेल पाए, पर जो बड़े मैचेस हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम की टेम्परमेंट बेटर है, और वो जो मोमेंटम उन्होंने बनाया वो फाइनल तक वो लेकर गए। हमारा भी मोमेंटम था, लेकिन वो एक मैच जो खराब हुआ वो फाइनल हुआ जी। एंड देखो 2015 ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता, पर इंडिया में आके ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। सो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो सेमी फाइनल में जब खेलते हैं ना, वो बड़ी गेमों में ना टेम्परमेंट बड़ी स्ट्रांग है, पर जो भारत की है ना, वो सेमीफाइनल के पता नहीं फाइनल में जब आते हैं वो कमी है, ये कमजोरी है। आई थिंक ये थोड़ा मे बी जब बाद में रिव्यू करेंगे सोचेंगे हम बड़ी सेमीफाइनल में जब आते हैं फाइनल आते हैं हम हार क्यों जाते हैं। T20 में भी ऐसे ही किया इंग्लैंड के खिलाफ, अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर दिया। आई थिंक ये भारत टीम ग्रुप स्टेज में अच्छी है, बट बड़ियों गेमों में टेम्परमेंट बहुत कमजोरी है। ये टेम्परमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया या प्रेशर आ गया पूरे 140 करोड़ का, क्या कहा जाए, लेकिन फिलहाल हकीकत तो यह है कि भारतीय टीम हार चुकी है। अहमदाबाद में मायूस है, वहां पर स्टेडियम में लोग भी। अमृत हमारे साथ है। अमृत जी, किशोर बिल्कुल पैट कमिंस ने जो कहा वो करके दिखा दिया। फैंस में काफी नाराजगी जरूर है, क्योंकि फैंस का यही कहना है कि आपने 10 मैच बहुत अच्छे खेले, लेकिन जब जो जिस दिन के लिए आप ये मैच खेले वो मैच तो आप नहीं खेल पाए, क्योंकि आपकी 10 जीत किस लिए थी कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा हो, लेकिन आप नहीं हरा पाए। और किशोर, ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार प्रूफ किया कि उसे स्ट्रॉन्ग टीम क्यों कहा जाता है, बड़े मैचों का खिलाड़ी उसे क्यों कहा जाता है। फैंस का ये भी कहना है कि क्यों भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ही पिच पर नहीं खेल पाए, हम अपने ही ट्रैप में शब्द से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फैंस ये कह रहे हैं कि आपको स्पिनिंग पिच चाहिए और आपके स्पिनर्स मेन दिन जिस दिन पिच विकेट निकालना है उस दिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। आप 2 दिन पहले हेवी रोलर चला रहे हैं पिच के ऊपर, 2 दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किशोर कह रहे थे कि अब तक अच्छा हो रहा था, लेकिन शायद हम पिच के ही पेच में फंस गए और बहुत हल्के में ले लिया इस मुकाबले को, कि टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, पिच ऐसे बनाकर रखते हैं यहाँ फायदा होगा। और कंगारुओं ने गेम प्लान किया, कंगारुओं ने हर खिलाड़ी के लिए गेम लेकर आए, चाहे हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, किशोर पता था कि सूर्य कुमार यादव पुल शॉट खेलने जाते हैं, उनको स्लोअर गेंद डालते जाओ, 1 पे मारेंगे 2 पे मारेंगे लेकिन 3रे पे आउट हो जाएंगे, उस ट्रैप में लिया। तो कहूं कि आज ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी प्लानिंग थी और टीम इंडिया जो होमवर्क की थी वो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाई। सर आप यहाँ पर हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज, मतलब? सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, हार या जीत गेम का एक नियम है, और इंडिया के साथ हम लोग लाइफ टाइम खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि हारे तो पीठ पीछे बोलते कि इसने बॉलिंग खराब डाली, जब 10 गेम जीती थी तब इंडिया के लिए सबने वाहवा किया था, पर जब एक जीत हार गए तो उसके लिए खराब नहीं बोलना चाहिए। टीम इंडिया के साथ है हम लोग और गेम का एक नियम है तो एक्सेप्ट होना चाहिए। वी लव यू टीम इंडिया। आज ऑस्ट्रेलिया का दिन, ऐसा भी तो हो सकता है 10 मैच जीते भी है, जीत के लिए इंडिया को अप्रिशिएट भी है। किशोर देखिए, कुछ फैंस ये हैं कि चलो जो मिला वो उसमें खुश हैं, कुछ फैंस ये हैं कि काश ये भी मिल जाता तो ये अच्छा होता। किशोर जी बिल्कुल, और ठीक है ऑस्ट्रेलिया का दिन था, लेकिन ये बात तो है कि वो पिच भी अपने हिसाब से हमारे हिसाब से थी, हमारे फेवर में लग रही थी, लेकिन उसमें भी अपने होम ग्राउंड में 1,30,000 लोगों के सामने जो मोंटी कह रहे हैं, जब ओकेजन आता है, जब बड़ा मैच आता है, तब क्या हम प्रेशर में आ गए? बिल्कुल आ गए, और जिस तरह का क्रिकेट खेला 10 बार इतना अच्छा क्रिकेट खेला।